मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाक भारत दोस्ती बस चल पड़ी। बस के जरिए 16 मुसाफिर भारत रवाना। भारतीय शहरों के अलावा दीगर ममालिक के मुसाफिर भी शामिल। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी आज दोपहर 1 बजे बहाल होने का इम्कान। जंग नहीं अमन चाहते हैं का एक और पैगाम। भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान। भारतीय पायलट को आज वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भिजवाए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर आएंगे। पंजाब काबीना के इजलास की सदारत। गवर्नर पंजाब वजीर आला से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। सानिया साहिवाल जीआईटी रिपोर्ट पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तालीमी बोर्ड के जेर एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात का आगाज। पहले रोज अरबी, बिजनेस स्टडीज, क्लॉथ एंड टेक्सटाइल्स के पेपर्स। 821 इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफा 144 नाफिज। इम्तिहानात में 5 लाख से ज्यादा बच्चे शरीक। महंगाई से सताई आवाम पर मजीद बोझ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपए फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4.75 रुपए फी लीटर बढ़ गई। मिट्टी का तेल 4 रुपए फी लीटर महंगा। कीमतों में इजाफे का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। पेट्रोल बम के साथ शहरियों पर बिजली भी गिरेगी। आवाम के लिए 13 अरब 50 करोड़ का टीका तैयार। पेट्रोल महंगा होने से बिजली भी 1.80 रुपए फी यूनिट महंगी। आने वाले बिलों में करंट लगेगा। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। पेट्रोल और बिजली के बाद शेखुरनोश की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। सब्जियां, फल, दालें, हर शे महंगी होने का खदशा। शहरियों में तश्वीश की लहर। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन का मामला। रायजाज कामरान मुमताज समेत 11 मुलजिमान एहतसाब अदालत पेश। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन करप्शन केस पर समाप्त करेंगे। करप्शन मुकदमात की तफ्तीश। बोगस पेट्रोल बिल्स, जाली अलाउंसेस, शहदा फंड्स जाली बिलों की मद में हुई। नैब का मौकिफ। और पंजाब असेंबली का इजलास। अराकीन असेंबली की आमद का सिलसिला जारी। ख्वाजा सलमान रफीक और अलीम खान असेंबली पहुंच गए। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी करेंगे।